हनी हम कहाँ जा रहे? क्या हो गया, हम कहाँ जा रहे बेटा? वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं? हाँ, हनी को पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हनी को लग रहा कि हम घूमने जा रहे हैं। हनी को जब वैक्सीनेशन लगेगा, 15 मंथ का वैक्सीनेशन लग रहा है हनी को, है ना हानू? अभी हम एक जगह रुक गए हैं कुछ काम काम के लिए। इनके अबू गए हैं तो अभी हम आएंगे तो वहाँ से फिर से हम जाएंगे डॉक्टर के पास। हानिया रेडी हो गई हैं। हानिया अच्छे से नाश्ता करके नहा के तैयार होके निकली हैं, है ना? हानु सबको कहो मेरे लिए दुआ कर ले, मैं छोटा सा बाबू हूँ, मेरा नाम हानिया शेख है ना? मैं आज नहीं, मैं कल पूरे 15 मंथ की हो गई हूँ। मेरा बच्चा सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है कौन कैसे आ रहा है जा रहा है, सारी चीज़ें नोटिस कर रही है ना? हुप, हुप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हानिया को 15 मंथ का वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। तो यहाँ पे बैंगलोर में एक बहुत ही अच्छे बच्चे के डॉक्टर हैं जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। तो जब भी जाते हैं ना यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है क्योंकि उनके हाथ में शिफा है, जो भी दवा देते हैं बहुत अच्छे से असर करता है। तो यहाँ पे देख रहे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे मैं हानिया से पूछ रही हूँ, आपको वैक्सीन लगने वाला है? हानिया को कोई भी आइडिया नहीं है। सबसे पहले हम हानिया को लेके गए, वेट वगैरह चेक कराए, तो हानिया डॉक्टर को देख के रोने लगी। हानिया डॉक्टर को देखते ही रोने लगती हैं। उनका वेट वगैरह सब कुछ चेक हो गया तो भी उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर लेके खड़े हो जाए तब तक इनका इंजेक्शन में तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया। जैसे कि आपने देखा हानिया को इंजेक्शन लगने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही थी। एक तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, डॉक्टर के पास जब भी जाती ना वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, रोने लगती है। और एक तो इंजेक्शन लग रहा था वो और ज़्यादा रो रही थी। उसे रोता हुआ देख के ना मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन मैं उसके सामने दिखा नहीं सकती कि हाँ मम्मा को भी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि अगर मैं रोने लगूंगी मुझे दुखी मतलब देखेगी तो उसे लगेगा कि मम्मा भी रो रही हैं तो उसे और ज़्यादा रोना आएगा। इसलिए मैं उसके सामने हमेशा स्ट्रांग बनती हूँ ताकि उसे भी लगे कि हाँ ये कुछ भी नहीं है, बहुत लाइट है। तो कभी भी आपके बच्चों को वैक्सीनेशन लगे तो आप उनको स्ट्रांग बनाइए। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बाहर से खाने पीने के लिए, उसके बाद हम हानिया को यहाँ पे शॉपिंग कराने लेके आ गए। मतलब उसके लिए ड्रेसेस लिया, उसके लिए कैप लिया, क्योंकि अभी धूप लगती है ना बच्चों को। तो हानिया भी मतलब उसके आइज़ का भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए हमने एक कैप ले लिया था। और हानिया को ये पिंक वाला कैप उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने एक, अभी गर्मी का मौसम भी है तो हमने एक मतलब दो ऐसी लॉन्ग कॉटन के ड्रेसेस ले लिए ताकि गर्मी में पहन सके, बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सिंपल लिया हमने और बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ शूज़ वगैरह भी देख रहे थे हम कि ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं, हमने कहा कि चलो अभी एक दो हमने ऑलरेडी लिया था, नहीं लिया। तो यहाँ पे अभी ना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हानिया का पॉटी ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग पॉटी होता ना जो ये देखा मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अलग टाइप का है, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये ऊपर से कैप भी है और यहाँ निकाल के उसको आप वॉश भी कर सकते हैं। ये छोटा है, ये 6 मंथ प्लस के लिए है बच्चों, अभी तो हानिया 14 मंथ की तो वो इतना काम नहीं करेगा। ये जो मेन जो वो इंग्लिश टॉयलेट होता है ना उसके ऊपर भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, और ये अलग से बच्चों के लिए बनाया गया है। ये 3-in-1 है, इसके ऊपर बच्चे बैठ के खेल भी सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लगा भी सकते हैं जहाँ पे टॉयलेट है इस पर, और वहाँ पे बच्चे टॉयलेट भी कर सकते हैं, इसे अलग से निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो ये अलग से मतलब मुझे अच्छा लगा, ये देखेंगे बाद में, अभी लेंगे तभी, मैंने सिर्फ वहाँ पर जाके देखा है। हालाँकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा, हानिया को भी थोड़ा अच्छा लगेगा वो। तो यहाँ पर मैं अभी सिखाने वाली, तो हानिया को ये बॉल बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पर हानिया खुश हो गई, जैसे आप देख रहे हैं बच्चों को इंजेक्शन लगता है और वो थोड़ी देर बाद खुश भी हो जाते हैं, उनको इतना एहसास नहीं होता है। हालांकि हमने
पेनलेस इंजेक्शन लगवाया है। मेरे हस्बैंड ने हमेशा पेनलेस इंजेक्शन ही लगवाते हैं ताकि इसको ज़्यादा बुखार ना हो, पेन भी ना हो। तो ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और उनका हाथ भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, हानिया को थोड़ा बहुत खिलौना दिलाया और हानिया एकदम नॉर्मल हो गई है, जिसे आप देख रहे हैं हैप्पी हो गई है। उस टाइम थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ऑन टाइम जाके अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाएं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन हमेशा जाके याद से दिलाएं। तो उसके बाद हम घर चले आए, तो हानिया भी हैप्पी थी, हम भी हैप्पी हैप्पी घर चले आए। हमने थोड़ा बहुत खाने का बाहर से लिया, तो यहाँ पे उनकी खाला वेट कर रही थी। हम जैसे घर पे आए, हानिया के खाला ने दरवाज़ा खोला, उनको लगा कि हाँ हानिया बहुत ज़्यादा रो रही, हालांकि हम मेरी और हाँ फरीन की बात हो चुकी थी। तो यहाँ पे वो खेल रही हैं, बॉल हानिया को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और वो कोई भी चीज़ को लेती है काटने की कोशिश करती थी, ये बहुत ही अच्छा लगा उसे। तो गाइस यहाँ पे जो हमने ड्रेस लिया था हानिया को, तो फरीन को दिखा रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं हानिया एकदम नॉर्मल हो गई है, खेल कूद रही है। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को वैक्सीन टाइम पर दिलाए। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आई होप सो पसंद आएगा। थैंक